बड़े भाई को संतान का सुख नहीं। आपकी वाणी सच है महात्मा, मैं द्वारकापुरी का सेवक बलराम, और यह है मेरा छोटा भाई कन्हैया। हमारी इच्छा है कि आप राजभवन में पधारें। योगी को राजभवन से क्या प्रयोजन बच्चा? हमें सेवा का अवसर दीजिए महाराज। परंतु सेवा करेगा कौन? रानियां पटरानियां योगीराज। बच्चा, विवाहित स्त्रियों को केवल अपने पति की सेवा करने का अधिकार है। भैया, जान पड़ता है योगीराज कुमारी कन्या की सेवा चाहते हैं। तो ठीक है, इनकी सेवा के लिए सुभद्रा को रख देंगे। हाँ हाँ भैया, कभी भूल से भी ऐसा न कीजिएगा। मुझे तो ये योगीराज प्रपंच दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, योगी की अंतर्दृष्टि बता रही है कि छोटा भाई मन का काला है। तुम जो भी उत्तर देना, अपने विश्वास पर देना बच्चा। देखिए भैया, आपको विश्वास हो तो भले ही इनकी सेवा में सुभद्रा को रख दीजिए, परंतु फिर मुझे कुछ मत करिएगा। हाँ, तुम चुप रहो कन्हैया। महात्मा, आपकी सेवा हमारी बहन कुमारी सुभद्रा करेगी, आप पधारने की कृपा करें। शंकर, भक्तों की मनोकामना पूरी कर। कन्या, तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हुए, वर मांगो। महात्मा, श्री कृष्ण की बहन को किस वस्तु की कमी हो सकती है जो दूसरे से मांगे? श्री कृष्ण की बहन होने के घमंड में साधु महात्मा का तिरस्कार करने की भूल न करो राजकुमारी। तुम न कहो तो भी हमारी अंतर्दृष्टि साफ साफ देख रही है कि तुम्हारी मनोकामना क्या है। क्या है सुनू? तुम्हारी कन्या को सदा मनवांछित वर की कामना होती है। तुम्हारे मन में भी एक धनुर्धारी वीर पुरुष बस गया है। तुम्हारी ये प्रेमातुर आंखें उसी को देखना चाहती हैं। तुम्हारे रोम रोम में भी उसी प्रीतम को पाने की लालसा जाग उठी है। सच कहो कन्या, क्या ये झूठ है? तो तुम ना मांगो तो भी सेवा का फल देना साधु संत का धर्म है। शीघ्र ही तुम्हें अपने प्रीतम का दर्शन होगा, तुम्हारी आशाएं पूर्ण होंगी। सुभद्रे, महात्मा, तुम हमारे अतिथि ना होते तो मुझे सुभद्रे कहने वाले तुम्हारे एक जीभ को बाणों से छेद कर छलनी बना देती, तुम्हारी इस दाढ़ी का एक एक बाल लोच कर जिनके की तरह बिखेर देती, तुम्हारी आंखें निकाल देती। कन्या, साधु का अनादर करने से पहले साधु भक्त बलराम के क्रोध का परिणाम सोच लो। ये सोचने से पहले तुम जैसे साधु को झाड़ू से झाड़ कर बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी सुभद्रा नहीं। बम बम शंकर, भक्तों की मनोकामना पूरी कर। बम बम शंकर, भक्तों की मनोकामना पूरी कर। भोले। सुभद्रे, अभी मन की बात मुंह पर ना लाना सुभद्रे। यहां तुम्हारे भैया कृष्ण के सोचे हुए नाटक का पहला अंक समाप्त होता है और दूसरे अंक में रेव तक यात्रा में से तुम्हारा हरण होगा। Thank you.
लगाने वाले पाखंडी अर्जुन का फर्ज काट डालूं। भैया रुक जाइए, भैया हट जाओ मेरे रास्ते से कन्हैया। शांत होइए भैया, ये सब बखेड़ा तुम्हारा है, चले जाओ यहाँ से वरना। ये क्या हो रहा है? बहन का तो जहाँ संयोग था चली गई, अब क्या भाई भाई आपस में लड़कर संसार को ये बताना चाहते हैं कि इनका प्रेम क्षणिक था? मुझे अब किसी से प्रेम नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम भी दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, चली जाओ। क्रोध से भाग्य का लेख तो नहीं बदला जा सकता भैया। हाँ नाथ, शांत होकर विचार कीजिए। वो भाग्य की ही तो बात थी जब आप लोगों ने रुक्मणी का हरण किया था। ठीक,
जहां मेरी आज्ञा या इच्छा का आदर नहीं वहां मेरे रहने का भी कोई अर्थ नहीं। भैया भैया, यदि आप मुझे दोषी समझते हैं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से आपकी इच्छा या आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आपकी शक्ति अनंत है, आपकी करुणा अनंत है, आप स्वयं अनंत है। भैया अब मुझे क्षमा करके आप द्वार का पधारिए। भैया आप द्वार का पधारिए। ना जाने क्यों तुम्हारी अमृत जैसी वाणी सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। भैया कन्हैया चाहती हूँ कि मरने से पहले वागदान के अनुसार तुम्हारी पालित पुत्री सुरेखा और अभिमन्यु का ब्याह अपनी आंखों से देख लो। बलराम जी तथा श्री कृष्ण की सम्मति लेकर तुरंत समाचार दो ताकि मैं सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर द्वारका आ जाऊं। सबकी कुशलता चाहती हूँ और सबकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। दुखियारी कुंती, सुरेखा के विवाह की बात मेरे मन में भी कब से घूम रही है। तो फिर तुरंत हस्तिनापुर संदेश भिजवा देना चाहिए। भिजवा देता हूँ, पर कुंती बुआ को नहीं, सम्राट दुर्योधन को। ये क्या कह रहे हैं नाथ? सुरेखा का वागदान अभिमन्यु के साथ आप ही कर चुके हैं, संसार क्या कहेगा? संसार कहेगा कि बलराम ने अपनी पालित पुत्री कौरवों को देकर राजनीति में एक नई मोड़ ली है। ये नहीं कहेगा कि द्वारकाधीश ने अपनी पुत्री का वागदान तोड़कर अपनी मर्यादा को कलंकित किया है। ये नहीं कहेगा कि अपनी फूफी बहन और भांजे को संकट के समय ठुकराकर आपने अपनी निर्बलता का परिचय दिया है। देवी, एक जात का दूसरी जात से, एक देश का दूसरे देश से और एक राज्य का दूसरे राज्य से मिलन निर्बलता की नहीं सद्भावना की निशानी है। संसार की भलाई के लिए अपने लाभ को छोड़ देने में मर्यादा कलंकित नहीं होती बल्कि ऊंची होती है। मैं कौरव पांडव और यादवों को एक धागे में बांधकर ये बताना चाहता हूं कि एकता ही मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। इसी विचार से मैंने सुरेखा का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से ठीक किया है। यदि आप क्रोध न करें तो मैं कुछ कहूं भैया? तुम यही कहोगे कि सुरेखा का विवाह अभिमन्यु से कर दें, किंतु सुन लो, मैं बहन नहीं दे सका तो कन्या देकर भी अपना उद्देश्य पूरा करूंगा। परंतु मैं कहां बाधा डाल रहा हूं भैया? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथ से निमंत्रण पत्रिका लिखकर सम्राट दुर्योधन को दे दूं। श्री कृष्ण, हाँ, दूध को आज ही चला जाना चाहिए। काकी, 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 क्या हुआ सुरेखा? पिताजी मेरा वागदान तोड़कर दुर्योधन के पुत्र से, कुमार लक्ष्मण से? हाँ। नहीं नहीं, तेरे काका ऐसा नहीं होने देंगे। पर काका तो अपने हाथ से दुर्योधन को निमंत्रण पत्रिका लिख रहे हैं। मैंने अपने कान से सुना है काकी। मैं ये नहीं होने दूंगी, तू विश्वास रख। पर तू ये एक बात सच सच बताना, अभिमन्यु को तू शुद्ध मन से चाहते है ना? तो संसार की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो शुद्ध प्रेमी का मिलन रोक सके। तू धीरज धर, मुझ पर भरोसा रख। जा काकी। बहुत आनंद में है, कोई शुभ काम करके आए हुए लगते हैं। हाँ हाँ, मैं कोई अशुभ काम करने के लिए थोड़ी मथुरा छोड़कर द्वारका आया हूँ। सो तो आपकी अंगुली में लगी हल्दी रोली साक्षी दे रही है। कटाक्ष न करो देवी, मैंने रेवत तक पर्वत पर भैया को वचन दिया है कि मैं उनके किसी भी बात का विरोध नहीं करूंगा, मैं अपना वचन पालन करूंगा। तो मैं भी सुरेखा को दिया हुआ वचन पालूंगी। याद रखिएगा, अभिमन्यु बालक है पर अर्जुन का है, अपमान सहन नहीं कर सकेगा, यादवों के दांत खट्टे कर देगा। हाँ, हमारे तीन ही पूरे है बेटा अभिमन्यु,
ना तेरे ताऊ पिता और काकाओं का बनवास होता, ना बलराम भैया तुझसे सुरेखा का वागदान तोड़कर दुर्योधन के बेटे से ब्याह ठीक कर। आत्मत बहो माँ, ये पांडव का पान है, इस अपमान का बदला मैंने सुरेखा का हरण करके ना लिया तो मैं धनुधारी अर्जुन का पुत्र नहीं। द्वार का पहुँच दे दो, रास्ता छोड़ दो, हमें द्वारका जाना है। इधर से कोई नहीं जा सकता, हमें भी कोई रोक नहीं सकता। हमारे सैनिकों से अपने काल को न्योता भेजने वाला कौन है, बोलो, बोल सके नहीं वो कौन है।